किसान भाइयों, अभी बज रहे शाम के 4:30 और जो भी दूध देने वाली गाय हैं ये सारी यहाँ पर आ चुकी है, जो कि हम यहाँ पर जो रात में ये गायें बनती है और दूध भी यहाँ मिल्किंग शाम सुबह की यही होती है इन गायों की। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अपने घर पर अच्छे से अच्छा गायों के लिए बाटा तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपकी गायें दूध तो अच्छा ही देगी, साथ में उनकी सेहत भी अच्छी बनी रहे। और चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, पास वाली घंटी दबाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाकी अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुँच जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं किसान भाइयों। चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इनको हम शाम सुबह क्या देते हैं, मिल्किंग जब काउस की करते हैं, इनका दूध निकालते हैं तब इन्हें क्या क्या देते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो चलिए मैं अंदर चलते हैं पहले सबसे। तो ये पीछे हमारा डेयरी फार्म है, आप देख रहे हो, और अभी मैं आ चुका हूँ जहाँ पर इनका मैनेज करते हैं फीडिंग। तो इस जो यहाँ पर है, यहाँ पर हम काउस का जितना भी फीडिंग रहता है, जो भी खाना पीना यहाँ पर हम स्टोर करके रखते हैं। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से बताता हूँ अच्छी तरह से। तो किसान भाइयों, आप ये जो तीन ड्रम देख रहे हो यहाँ पर, जैसे कि आप देख ही सकते हो, सबसे शुरू वाले में हमारा गेहूं का जो दलिया रहता है, आप देख सकते हो ये दलिया है। दूसरे में है हमारी केटल फीड, पशु आहार, जो कि आप ये देख सकते हो, ये मार्केट से हम लाए हैं, ये 1000 रुपये में आती है, इसकी जो थैली आती है। और ये है कपास की खली, ये आप देख सकते हो, ये है कपास की खली। और ये देख सकते हो इधर, और भी आप जैसे पूछ रहे थे कि कैसी रहती है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो आप, ये अथर्व की है, आप देख सकते हो ये लिखा है यहाँ पर कपासिया। और ये हम खिलाते हैं अपनी गाय को। और ये देख सकते हो आप, अगर खिलाना चाहते हो तो इस तरह के आप ड्रम ले आइए जिनमें कि अच्छा तरह से मैनेज हो सके। आप प्लास्टिक के भी ला सकते हो, मेरे यहाँ पर लोहे के थे इसलिए मैंने इनको लोहे में ही भर के रखा है ये। तो इससे क्या होगा, मैनेज अच्छा रहेगा और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा आपको इसमें। तो आप इस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि किसे कैसे देना है, इसको कितना कितना देना है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको एक कोई भी बड़ा टब ले लेना है, जैसे कि हमारे यहाँ पर ये जो बड़ा टब आप देख ही रहे हो, इसमें हम सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे कपास की खली, ठीक है। कपास की खली हम इसमें दो कटोरा भर के इसके अंदर हम डाल देंगे। उसके बाद जो केटल फीड है, हमें ऐसा डालना है कि सारा मिक्स हो जाए, हमें जैसे एक खीरी नहीं डालना है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे डालेंगे। तो सबसे पहले हम कपास की खली डालेंगे, उसके ऊपर केटल फीड, और उसके बाद हम डालेंगे अपना गेहूं का दलिया। तो जिससे क्या होगा कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, और उसके बाद आगे की प्रोसेस में आपको वहाँ पर जाके बताते हैं। किसान भाइयों, दलिया लेने के बाद और कपास की खली और केटल फीड लेने के बाद हमें इसके अंदर पानी डालना है। तो हमने अभी इसके अंदर पानी भी डाल दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पास में एक अलग से हमने एक जो अलग से एक बाटा तैयार किया गया है, इसके अंदर केटल फीड डालिए और इसके अंदर नहीं डालिए, क्योंकि जो हमारी फार्म की राधिका है, जो आप सामने देख ही रहे हो यहाँ पर, उसको केटल फीड नहीं अच्छी नहीं लगती, तो वो खाती नहीं है बाटा। इसके लिए अलग से उसके अंदर सिर्फ कपास की खली डाली है और गेहूं का दलिया डाला है। ये देख सकते हो आप, ये वो गाय है जो खाती नहीं है, तो वो भी हमको मैनेज करना होगा। तो उसके लिए हमने अलग से यहाँ पर भिगो के एक अलग स्टोर किया है उसके लिए। और ये जो ये सारी गायों के लिए है यहाँ पर मिक्स, इसके अंदर केटल फीड है। केटल फीड का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि केटल फीड के अंदर सारी चीज़ें मैनेज की गई है, उसके अंदर सोल्ट रहेगा, सारी चीज़ें बिल्कुल बैलेंसिंग में दी गई है। तो उससे आपकी काउस का जो मिल्क है, साथ ही साथ बॉडी स्ट्रक्चर और हेल्थ, वो भी सारी मेंटेन रहेगी केटल फीड से। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। कपास की खली से तो बहुत ज़्यादा सस्ती आती है, 1000 रुपये में 50 किलो तक आ जाती है, तो वो भी आप देख सकते हो आपके हिसाब से। तो चलिए, चलो ये तो हो गया हमारा। अब हम देखेंगे हम कितनी कितनी मात्रा में हमें देना है अपनी गायों के लिए, तो वो भी आपको मैं आगे बताऊँगा।
अब किसान भाइयों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितनी मात्रा में जो हमने बाटा तैयार किया है ये देना है। तो आपको 2.5 से 3 किलो एक गाय के लिए शाम सुबह देना है। तो शाम को 2.5 से 3 किलो, सुबह शाम सुबह फिर 2.5 से 3 किलो अपनी गाय के लिए देना है, जिससे कि अच्छा दूध भी रहे और आपकी गाय की सेहत भी बनी रहे। और आप देख सकते हो कि अभी हमारा मिल्किंग का टाइम हो रहा है, तो बस अब हम इसे जो हमारा बाटा ये तैयार हो चुका है तो हम अपने यहाँ से मिल्किंग चालू करेंगे, और जिससे क्या होगा कि गाय की सेहत भी अच्छी रहेगी और हमारा एक दलिया बहुत शानदार घर पर बैठकर हम इसे बना सकते हैं। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।